मोदी राज में भारत का भौकाल पूरी दुनिया में बुलंद हुआ। हर देश अब हर मुद्दे पर भारत की राय जानना चाहता है और भारत की तरफ मदद का हाथ भी बढ़ाते हैं। रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक बड़ी इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दी एक फोरम में मॉस्को के अंदर, जिसमें उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी बातें की, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट बातें उन्होंने ये की, ख़ासतौर पे इंडिया के हवाले से। एंड दैट्स हाउ कि एक तरफ अमेरिका इंडिया के गीत गा रहा है, उधर से रशिया भी इंडिया के गीत गा रहा है। यूके जो है उसने पाकिस्तान की जो नेशनल है मियाँ अब्दुल हक साहब, जिन्हें मियाँ मिठू कहा जाता है, उनको जो है वो सैंक्शंस लगा दिए उसके ऊपर। वैसे तो सही सैंक्शंस लगाई हैं, क्योंकि जो उनकी हरकतें थी कि वो माइनॉरिटीज़ को, हिंदूज़ को या ईसाइयों को मुसलमान करना ज़बरदस्ती फोर्सफुली, दैट इज़ नॉट अलाउड इन रिलीजन। पूरा विश्व मान रहा है आज कि भारत का दबदबा क्या है, पूरा विश्व मान रहा है कि किस तरीके से भारत का जो है रुतबा बढ़ता हुआ हमें नज़र आ रहा है। आज हम देख रहे हैं, चाहे अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, चाहे दुनिया का कोई ब्लॉक हो, माइनस इंडिया बात हो ही नहीं सकती है। इस्लामिक कंट्रीज तो यहाँ पड़े रहते हैं, सब कोई यहाँ पड़े रहता है, यूरोप से लेकर दुनिया भर में आप देखो यहीं पड़े रहते हैं। यहाँ तक कि चाइना को भी हमने कई कई चीज़ों को जगहों पर देखा है कि भारत के यहाँ पर शी जिनपिंग ऐसे ही इतना दौरा नहीं करते रहते हैं। या बाकी जो है अलग अलग, भले ही हमारा बॉर्डर पर जो कन्फ्लिक्ट है, अलग अलग मामलों में बायलेटरल ट्रेड बराबर चलता रहता है। वो चाइना को पता है कि मार्केट खिसकी तो उनका देश की इकोनॉमी किस तरीके से खिसक जाएगी। इसीलिए ये तो छोटी बात है, अब तो हम देख रहे हैं एक तरफ अमेरिका है, वो तो एकदम बिच जाता है, कुछ भी हो इंडिया वेरी ग्रेट, इंडिया ने कर दिया कोई दिक्कत नहीं, और कोई करेगा हम देख लेंगे। रशिया की तरफ से भी ऐसे बयान आते हैं। तो ये जो पिछले 6-7-8 साल में मोदी जी दुनिया भर में घूमते रहे हैं, अब उसके नतीजे सब निकल के आ रहे हैं। चाहे अफगानिस्तान में तालिबान राज आने के बाद वहां के लोगों को खाना देना हो, या फिर रूस यूक्रेन युद्ध में भारत की दखलंदाजी का मामला हो, हर जगह पीएम मोदी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जिसकी वजह से भारत का कद दुनिया में बड़ा हुआ और दुनिया के तमाम देश भारत के सामने नतमस्तक हुए। इसी कड़ी में रूस भारत के साथ अपनी दोस्ती को और मजबूत करने पर लगा हुआ है। दरअसल रूस भारत के उस फैसले से काफी खुश है, जिसमें उसने G7 देशों की तरफ से तेल की तय कीमत का विरोध किया। आपका व्यू पॉइंट समझने का मुझे भी एक अवसर मिलेगा, लेकिन फिर भी जो विषय हैं जिसकी बातें मैं करता रहता हूं, एसएनसी भारत और रशिया के संबंध अनेक गुना बढ़े हैं। हम इन संबंधों को इसलिए भी महत्व देते हैं कि हम एक ऐसे मित्र रहे हैं जो पिछले कई दशकों से हर पल एक दूसरे के साथ रहे हैं, और पूरी दुनिया भी जानती है कि भारत के साथ रशिया का नाता कैसा रहा है और रशिया के साथ भारत का नाता कैसा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से दुनिया में अपना भौकाल बुलंद कर रहे हैं, उसका भी फायदा भारत को मिल रहा है। फिलहाल सुनिए किस तरीके से पीएम मोदी ने पुतिन से सीधे और साफ शब्दों में कहा था कि ये युद्ध का दौर नहीं है, इसे रोका जाना चाहिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार इससे प्रभावित हो रहा है। आपकी और यूक्रेन की मदद से हमारे स्टूडेंट को हम सुरक्षित रूप से बाहर निकाल पाए, उनके घर तक हम पहुंचा पाए, और इसके लिए मैं आप दोनों देशों का आभारी हूं। विषयों पर हमारी चर्चा हुई थी, और उसके बाद भी जैसा आपने कहा, यानी एक बार हमारे टेलीफोन पर भी चर्चा हुई है, और उसमें भारत और रशिया के बायलेटरल संबंध भी बातें हुई है, और दुनिया की जो समस्याएं हैं उसके संबंध में भी काफी विस्तार से हमारी बातचीत हुई है। आज फिर एक बार हम मिल रहे हैं, और आज भी दुनिया के सामने जो सबसे बड़ी चिंता है, और खास करके डेवलपिंग कंट्रीज को। जिसके बाद रूस के उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने रूस में भारत के राजदूत पवन कपूर के साथ मुलाकात की और एक बयान जारी कर फैसले पर खुशी जाहिर की। गौरतलब है कि यूक्रेन के साथ जारी जंग के बाद भी भारत ने रूस से तेल आयात जारी रखा, साथ ही भारत ने दुनिया को बता दिया कि जरूरत के हिसाब से जो भी तेल सही दाम पर देगा, भारत उसी से तेल खरीदेगा। किसी भी देश के दबाव में भारत महंगा तेल किसी से खरीदने वाला नहीं है। भारत की इसी बात से रूस बेहद खुश नजर आ रहा है, इसीलिए रूसी विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया, उप प्रधानमंत्री ने भारत के फैसले का स्वागत किया है कि उसने G7 देशों और उनके साथियों की तरफ से 5 दिसंबर को रूस के तेल पर तय की गई कीमत का समर्थन नहीं किया। भारत को निर्यात होने वाले तेल में 16.35 लाख टन का इजाफा इसी साल के पहले 8 महीनों में हुआ।
अब रूस की तरफ से जारी इसी बयान से आप अंदाजा लगा लीजिए भारत किस तरह से दुनिया के सामने अपनी छवि बना चुका है। वहीं रूस की ये बातें दर्शाती हैं कि भारत अब किसी के भरोसे और इशारे पर नहीं टिका हुआ है। एक्सलेंसी, मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। फूड सिक्योरिटी के, फ्यूल सिक्योरिटी की, फर्टिलाइजर की, ऐसी जो समस्याएं हैं हमें जरूर उन रास्ते निकालने होंगे, और आपने भी उसमें पहल करनी होगी। उन विषयों पर भी आज चर्चा करने का मौका मिलेगा। एक्सलेंसी, मैं आपका और यूक्रेन दोनों का इस बात के लिए आभार व्यक्त करना भी चाहूंगा, क्योंकि जब शुरू के दिनों में इस संकट के काल में हमारे हजारों स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंसे हुए थे। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो इंडिया जो है ये स्लोली स्लोली कर रहा है और करवा रहा है, एंड दे आर गेटिंग द रिजल्ट्स। खैर, अब डॉक्टर जयशंकर, पहली बात तो ये है कि वो जो इंडिया ये कह रहा है कि जी हम एक इंडिपेंडेंट पावर हैं, और वो कह रहे हैं कि हम सिर्फ इंडिपेंडेंट पावर नहीं है, हम प्राइमरी पावर हैं। अब पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये था कि पाकिस्तान शुरू से इंडिया को मानते ही नहीं है कि ये प्राइमरी पावर है। बच्चों को क्यों उन्होंने वो स्कॉलरशिप नहीं दी है, या हमारे वो जो बच्चे जिनको स्कॉलरशिप अमेरिका से मिले वो किधर गए? जितने पाकिस्तानी लड़के लड़कियां मैं जिनको मिला हूँ अमेरिका पढ़ने आते हैं, लास्ट वीक 10 दिन पहले 15 दिन पहले मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गया हुआ था एक कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में, इंटरेस्ट मी, पहले तो मुझे वहाँ पे देख के बड़ी खुशी हुई कि बहुत सारे पाकिस्तानी वहाँ पढ़ने आए हुए थे, बहुत सारे इंडियन से मुलाकात का मौका मिला, बड़ी खुशी हुई, यंग लड़के लड़कियाँ इंडिया से। अब ये जो इंडिया का जो फॉरेन मिनिस्टर है डॉक्टर जयशंकर, जिस तरह पार्लियामेंट में खड़े होकर बात कर रहे हैं, पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर कर सकता है? क्योंकि हमारी तो असम्बली नहीं है सेशन में, वो आधी जो असम्बली है वो तो इस्तीफे दे के बैठी हुई है, वो कह रही है असं इन्होंने मानते ही नहीं, ये तो चोर हैं, ये डाकू हैं, ये तो अमेरिका लेके आया है और ये अमेरिका के प्लांटेड हैं, ये तो इम्पोर्टेड हुकूमत है, इसको हम मानते ही नहीं है, और सारा काम बंद करके बैठे हुए कह रहे हैं हम अगले साल 2024 में 2023 में जब इलेक्शन होंगे तो 2024 में पाकिस्तान चलाएंगे। सो व्हेन इट कम्स टू द मल्टीपोलर पावर वर्ल्ड पावर स्ट्रक्चर की बात होती है, तो इट मींस इंडिया इज बेसिकली चैलेंजिंग द ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड स्टेटस को एंड वांट के हमारी इसमें स्पेस हो। रशियन को इस चीज की समझ लग गई है कि भाई इंडिया की जो इकोनॉमिक पावर है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, फाइनेंशियल स्टेटस, रीजनल ग्रोथ, रीजन में जो उनका इन्फ्लुएंस है वो बढ़ रहा है, सो हम ये करें कि हमें वो चीजें, इंडिया को वो चीजें देनी चाहिए। आज हमने देखा है जिस तरीके से भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है, जो भारत की दुनिया भर में डिप्लोमेसी है, वो सर चढ़कर बोल रही है। खास तौर पर जो दो चार पांच चीजें हुई हैं वो भारत के फेवर में बहुत ही भारी तरह हुई। एक आप देखो, जो कोविड के टाइम पे इंडिया ने वैक्सीन दी विश्व भर को, बाद में कहीं से भी कोई किसी की वैक्सीन आती रही हो वो अलग बात है, मगर शुरू में जो वैक्सीन दी, आधे से ज़्यादा दुनिया उसी वक्त जो थी इंडिया की फैन हो गई थी उसको। वैक्सीन डिप्लोमेसी कोई छोटी चीज़ नहीं थी, बहुत तगड़े मायने थे उसके इंडिया को संभालने में, इंडिया का जो दुनिया में इमेज है इसको बनाने में, पूरी दुनिया में जो है इंडिया की एकदम रॉबिन हुड वाली इमेज इसके बाद से बन गई। अब इसके अलावा हम देखें जिस तरह से ये रशिया यूक्रेन का क्राइसिस है, इसमें आप देखो कौन कौन पूरी तरीके से इन्वॉल्व है। रशिया, सोवियत कंट्रीज, यूरोप, अमेरिका और मिडिल ईस्ट के भी काफ़ी ज़्यादातर देश, बल्कि हम कहेंगे ये सब जो हैं, इन सब पे, इनकी इकोनॉमी पे तो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है पूरे के पूरे इस रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से। अब एक अगर हम इसको बड़े पर्सपेक्टिव पर देखें तो सिर्फ चाइना, इंडिया, आपका जापान, ऑस्ट्रेलिया, अगर इन चारों को हम छोड़ दें तो बाकी सारे दुनिया में जो बड़े प्लेयर्स हैं वो सारे के सारे इसमें इफेक्ट हो रहे हैं। हालांकि ये चार पांच देश भी जो है वो भी इफेक्ट हो रहे हैं मगर कम। बाकी पूरी दुनिया में जितने स्ट्रांग प्लेयर हैं, अमेरिका हो, यूरोप के बाकी देश हो, चाहे आपका रशिया हो, चाहे अरब वर्ल्ड में कई सारे देश हों, सबको हम देख रहे हैं, सब इस समय बड़ी तगड़ी तरीके से इफेक्ट हो रहा है, सब जो है मंदी के जद में आ रहे हैं। खाली इधर जो दो चार पांच देश हैं ये बच रहे हैं जिनका उन्होंने जिक्र किया। अब यहाँ पर आप देखो इसमें भी चाइना की इकोनॉमी कितनी बुरी हो गई,
सबसे जो जिसको माना जाता है सबसे बड़ी आबादी वाला देश, सबसे जिसको दुनिया भर में जिसको बड़ा गैंडा माना जाता है कि यही सबसे ज़्यादा जगह घिरता है, उसकी क्या हालत हो गई? हालांकि ठीक है उसमें सिर्फ और सिर्फ रशिया यूक्रेन वॉर नहीं है, और भी कई सारे कारण हैं, मगर हालत उसकी भी पतली है। हम चाहे जापान को देख लें, ऑस्ट्रेलिया को देख लें, आगे चले जाएं, इन सब की भी हालत कोई बहुत अच्छी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ पूरी दुनिया हैरान इस बात से है, ऐसा क्या करिश्मा कर दिया है नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने, ऐसा क्या जादू कर दिया है कि इंडिया की इकोनॉमी नीचे को नहीं जा रही है, इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ है वो नीचे नहीं जा रहा है। पूरे विश्व भर में हम देख रहे हैं सारी जो जीडीपी है सब नेगेटिव जा रही है, सब माइनस में जा रही है, भारत जो है वो ऐसे बढ़ रहा है, और चाइना से अमेरिका से तो हम देखें दो दो तीन तीन गुना बढ़ रहे हैं। अब ये वो चीज़ है जो सबको नज़र आ रही, गुरु इंडिया का आज का नहीं, इंडिया का जो हजारों सालों की सभ्यता है ये ऐसी रही है कि अपने में डिपेंडेंसी हो गया। आज भी आप ग्रामीण क्षेत्रों में चले जाओ, अब कोई भले ही एक आध लड़का वहाँ का मजबूरी में नौकरी करने के लिए बड़े शहरों में जाने लगा, मगर जो वहाँ की व्यवस्था होती थी वहाँ के लोग अपना खाने पीने की व्यवस्था उसी क्षेत्र में कर लेते थे, वहीं उगाना है, वहीं खाना है, वहीं पहनना है, वहीं रहना, सब कुछ वहीं कर लेते, उनको बाहर वालों पर डिपेंड नहीं होते थे। यूरोप और अमेरिका ये सब जो देश हैं ये बिल्कुल चल नहीं सकते अपने से, ये सेल्फ डिपेंडेंट है ही नहीं। इंडिया में आप देखो गांव-गांव सेल्फ डिपेंडेंट उस आधार पर बना हुआ है, थोड़ा सा मेहनत करें तो वो पूरा पूरा सेल्फ डिपेंडेंट भी हो सकता है।